नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत दिन के बाद हम वीडियो डाल रहे हैं। तो आज हम सोचे हैं कि थोड़ा बात करेंगे हम लोग का IMC में, मतलब IMC हम लोग क्यों बोलते हैं ये भी हम बोल देते हैं। IMC बोले तो इंडियन मेजर कार्प। कार्प फिशेज हम लोगों का बहुत सारा फिश है, लेकिन जो हम लोग का मेनली इंडियन मेजर कार्प, जो कार्प सब हम लोग का इंडिया में बेसिकली चलता है, उसी का ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। तो लेकिन हम लोग का ये पुठी मछली कार्प में पड़ता है, IMC में नहीं पड़ता है। आपका मेनली IMC में है आपका रूहू, कातला, मृगेल, फिर कभी कभी लोग बोलते हैं कि किसी का कोई संबंध है कि आपका पुठी IMC में है, कोई बोलता है नहीं है, फिर भी हम लोग अगर उसको पकड़ रहे भी या फिर ना भी पकड़े, ये सब मछली कार्प मछली है। हम लोग IMC बोलते हैं इंडियन मेजर कार्प को, मेनली जो हम लोग का इंडिया में मेजरली कार्प सब चल रहा है, जैसे रूहू, कातला, मृगेल, इस सब का ऊपर सीरीज देंगे। लेकिन पहले आज हम लोग बात करेंगे हम लोगों का पुठी मछली का ऊपर। तो आज बात किया जाए कि पुठी मछली जो होती है, इसका कैसा क्या नाम है, साइंटिफिक नाम या फिर प्रचलन कैसे है, कैसा क्या फार्मिंग कर सकते हैं, कितना जगह में, कैसा जगह में हम लोग इसको फार्मिंग कर सकते हैं, वो सब हम आज बात करेंगे। तो पुठी का अगर बात कर ले तो पुठी का साइंटिफिक नेम हो गया पुटनियस। तो ये मछली का आपका बहुत सारा प्रजाति है, आप छोटा बड़ा मिला के बहुत सारा प्रजाति है, बहुत विलुप्त प्रजाति है, बहुत रेयरली मिलने वाला प्रजाति भी बहुत सारा है। लेकिन हम लोग जो बात करेंगे, जो हम लोग का फार्मिंग करके हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा वो सबका, या फिर मार्केट में डिमांड है और हम लोग फार्मिंग करके प्रॉफिट कर सकते हैं, वो सब मछली का बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम बात करें कि हम लोग का जापानी पुठी जो होता है, तो ये जो जापानी पुठी होता है इसको बहुत लोग चाइना पुठी भी बोलते हैं, फिर आपका कोई लोग ग्राम पुठी भी बोलते हैं, लेकिन ये चाइना पुठी, इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। इसको पकड़ लीजिए आपका अच्छा से साइज़ हो सकता है आपका 1.5 से 2 kg तक जा सकता है, लेकिन मार्केट में ये सब साइज़ का ही बिक जाता है, छोटा से लेकर एकदम बड़ा तक भी बिकता है। इसका मार्केट सब जगह में सेम नहीं रहता है, कुछ कुछ जगह में 100 भी जाता है पर केजी, कुछ कुछ जगह में 300 भी जाता है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट उसका ऊपर। ये हम लोग का जापानी पुठी का रेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। उसके बाद जो हम लोग का सौर पुठी है, सौर पुठी आपका पुठी जापानी पुठी की तरह ही होता है, लेकिन ये मेनली वाइटिश है, इसलिए हम लोग इसको सौर पुठी बोलते हैं। लेकिन जापानी पुठी का जो फिन्स है वो मेनली हम लोग देखेंगे वो रेडिश टाइप का होता है, ओके। और इसका साइज़ देखिएगा जापानी पुठी का, ये फैट होता है मेनली और चौड़ा भी होता है, लेकिन सौर पुठी मैक्सिममली चौड़ा होता है। तो हो गया हम लोग का सौर पुठी का। सौर पुठी का मार्केट रेट के बारे में बात करें तो हम लोग का बंगाल में जो मार्केट है, बंगाल का मार्केट का ऊपर हम लोगों का कुछ कुछ जगह में बहुत अच्छा दाम है, जैसे 300 रुपया 400 रुपया तक बिक जाती है ये मछली। लेकिन हम लोगों का कुछ कुछ जगह में बंगाल में ऐसा भी है कि 100 रुपया 200 रुपया, फिर आउटर साइड में कैसा क्या रेट है, बंगाली लोग कितना खाना चाहते हैं, आपका दूसरा जो एरिया का पीपल है वो सब कैसे खाते हैं उसका ऊपर। फिर बात करेंगे हम लोगों का जो मणिपुरी पुठी होता है, तो मणिपुरी पुठी का बारे में अगर हम लोग बात करें, या फिर मणिपुरी हिल्सा, या फिर हम लोग जो क्या बोलते हैं पेंगबा बोलते हैं उसको, उसका बारे में बात करें तो ये बहुत लोग बोलते हैं कि जो इलिश मछली होता है उसकी तरह होती है, लेकिन मेन चीज़ है इसका अगर टेस्ट में हम लोग बोले, टेस्ट में नॉट एग्जैक्टली लाइक इलिश या हिल्सा, ये आपका अच्छा ही रहती है, लेकिन इसका ग्रोथ परसेंटेज बहुत कम है। आपका जो जापानी पुठी है या सौर पुठी है उससे बोलिए आप, इसका ग्रोथ परसेंटेज बहुत कम है। तो इसका सब जगह में मार्केट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कुछ कुछ जगह में मार्केट है उसका ऊपर ही चलता है, कलकत्ता में कुछ कुछ जगह में है और बाकी सब मणिपुर में थोड़ा बहुत है, असम में थोड़ा बहुत है उसका ऊपर। ये बात कर लिए कि ये तीन वैरायटी का जो पुठी है इसका कैसा क्या रेट है, और बाकी सब हम लोग का जो नदी नाला ये सब होता है उसमें जो हम लोगों का दूसरे प्रजाति का पुठी होता है वो जब भी मार्केट में आता है मिक्सचर माल बिक्री हो जाता है, या फिर हम लोग उसको सेल आउट कर सकते हैं, जब कोई लेके आता है आड़त दर सेल कर देता है। तो मेनली पकड़ लीजिए आपका 80 रुपया से लेकर 50 रुपया तक, 35-50 रुपया से लेकर आपका 450-400 रुपया, 500 ज़्यादा बोल दिए, 400 रुपया तक आपका इसका मार्केट वैल्यू है ऑल इंडिया बेसिस, ठीक है। तो अभी बात करेंगे इसका डिजीज़ का ऊपर।
जापानी पुठी का डिजीज़ अगर हम लोग बोलें तो मेनली इस मछली का एक चीज़ है कि जापानी पुठी या फिर हम लोग सौर पुठी या फिर पेंगमा जब भी फार्मिंग करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग का जो डीओ रिक्वायरमेंट है वो जितना ज़्यादा कर सके, लेकिन एकदम ज़्यादा भी नहीं। आपका 6 to 8 हम लोग अगर मेंटेन कर पाते हैं हम लोग का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको, तो फिर हम लोगों का मछली को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर जो मछली के लिए हम लोग का जो पीएच बोले या जो भी पैरामीटर से डीओ को लेके हम लोग का अगर फ्लैक्चुएशन होता है या फिर कांस्टेंट नहीं रहता है तो तब हम लोगों का कल्चर में प्रॉब्लम आता है, वो जो कोई भी मछली होना कर। लेकिन ये थोड़ा सेंसिटिव टाइप का मछली है, अगर आप इसका डीओ को प्रॉपरली देख पाइएगा तो ये मछली का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा चीज़ इसका डिजीज़ का बात कीजिएगा तो मेनली मोर्टिलिटी हो जाता है, कारण आपका जो डीओ रिक्वायरमेंट में कम हो जाता है तब। और दूसरा हो गया आपका जो इसका प्रोटीन का खाना का प्रोटीन परसेंटेज ये सब का ऊपर। इस मछली को अगर हम लोग बायोफ्लॉक में करते हैं तो इसको हम लोग प्रॉपरली फ्लॉक और जो एक्स्ट्रा स्लज होता है वो सब का ऊपर अगर डिपेंड करके और हम लोग का जो एजोला डक्विड होता है उसका ऊपर खिला के रखें, हम लोग इसको 20 to 24% प्रोटीन परसेंटेज का ऊपर फार्मिंग कर सकते हैं। मैक्सिममली हम लोग इसको 29% प्रोटीन तक दे सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा प्रोटीन दिया जाए तो ये इसका हजमी का जो क्षमता है, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो क्षमता है वो क्रैश हो जाता है, और इसका मेनली एक्सक्रेटरी जो ऑर्गेन है वो क्रैश होने के कारण ये एक्सक्रेट नहीं कर पाता है। इसका जो पॉटी बोलते हैं हम लोग मछली का, वो पॉटी नहीं कर पाता है, तो तब मछली का एक और मोर्टलिटी देखा जाता है। तो ये सब पॉइंट हम लोग को देखना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि इसको एक्सेस फीडिंग नहीं कराना चलेगा। अगर हम परसेंटेज फीडिंग के ऊपर बात करें तो आप लोग इसको पहले में 6%, फिर आपका बाई एज इसका परसेंटेज 2% करके रिड्यूस करके हम लोग इसको 3% तक फीडिंग करा सकते हैं। जो प्रैक्टिकली किया हुआ है हम लोग ये पॉन्ड का ऊपर भी बोल सकते हैं, और आपका जो टैंक है उसके ऊपर भी हम लोग ये बोल रहे हैं। और बाकी का आपका जो एजोला डकवीड और दूसरा आपका जो आप एक्सेसरीज जो अलग 25% फीड रिड्यूसिंग के लिए आप करते हैं, आपको एक बात बोल देते हैं कि आपका जब भी आप फीड रिड्यूसिंग या फिर फीड का कॉस्ट रिड्यूसिंग करने के लिए आप कुछ भी अलग यूज़ कीजिएगा, वो 25% से ज़्यादा आप रिड्यूस नहीं कर पाइएगा, जो मुमकिन नहीं है। नहीं तब का मछली का प्रॉपर ग्रोथ नहीं आएगा। तो अगर आपका 100 रुपया खाना का ऊपर जाता है तो 25 रुपया आप सेव कर पाइएगा। तो यही है आपका फीड का ऊपर। तो फीड का ऊपर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, कारण इसका अगर एक्सक्रीटरी में प्रॉब्लम होगा तो तब मोर्टलिटी होता है। दूसरा चीज़ हो गया, जब आपका पानी का जो आप पीएच बोलिए, इसका पीएच वैल्यू मेनली हम लोगों का फिश फार्मिंग में फिशेस को जो लगता है आपका स्लाइटली एल्काइन वाटर पसंद है, तो हम लोग थोड़ा इसका पीएच मेंटेन कर सकते हैं हम लोग 7.15 to 7.30 टीडी। और अगर हम लोग टीडीएस का बारे में बात करें तो इस मछली के लिए, कारण ये स्केल वाला मछली है या फिर हम लोग जो बंगाली में बोलते हैं आश वाला मछली है, तो इसको जो हम लोग सैलिनिटी लेवल मेंटेन करेंगे वो आपका 300 से लेकर 800 तक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कारण क्या होता है कि मेनली जो हम लोग का जो टैंक बोलिए पॉन्ड बोलिए बहुत यूज़फुल बैक्टीरिया है, बैसिलस ग्रुप का, लाइबस ग्रुप का, फिर नाइट्रीफाइंग ग्रुप का एक्सेट्रा बहुत सारा बैक्टीरिया है, बहुत सारा टाइप का आपका फंगस भी है, यूज़फुल फंगस भी है, हार्मफुल फंगस भी है, प्रोटोजोआ है, बहुत कुछ है, मतलब आपका बोलिए ख़राब चीज़ अच्छा चीज़ दोनों ही है, परसेंटेज डिफरेंस है। हाँ, अच्छा चीज़ बहुत है, ख़राब चीज़ कम है। लेकिन अगर मछली का अगर आप देखिएगा इसका जो इकोनॉमिक है, इसका जो टैंक का आपका जो इकोनॉमिसिटी है वो अगर आपका ख़राब हो जाता है तो मछली को है जो आपका ख़राब बैक्टीरिया या फिर हार्मफुल जो चीज़ है वो आपका पकड़ लेगा। तो पकड़ लीजिए आपका इसका जो क्या होता है, जो हम लोग गिल बोलते हैं, गिल में आपका जो इंसेक्ट टाइप का होता है बोलते हैं बहुत लोग, इंसेक्ट टाइप का बंगला में बोलते हैं कि कानकों में उकुन, तो वो एक चीज़ हो गया। ये बेसिकली पॉन्ड में होता है,
तो फिर हम लोग जो उसको अर्गलूस बोलते हैं, अर्गलूस रिमूवलर वीक हम लोग यूज़ कर सकते हैं खाना का साथ पानी में, तो ऐसा करके फिर हम लोग पोटेशियम पर मैंगनेट बहुत सारा ट्रीटमेंट है उसका ऊपर हम लोग करते हैं। वो सब चीज़ पॉन्ड का क्षेत्र में है, लेकिन टैंक का क्षेत्र में मेनली ये नहीं आता है। टैंक का क्षेत्र में मेनली आपका अगर आपका जो पैरामीटर्स है उसमें अगर गड़बड़ होता है, हम बोल दिए पीएच मेंटेन कीजिएगा 7 to 7.20, फिर आपका जो टीडीएस हो गया टीडीएस आप मेंटेन कीजिएगा फर्स्ट टाइम में 200 से 300, आप धीरे धीरे करके मैक्सिमम 800। आपका जो बाकी का एल्कलिनिटी हार्डनेस है वो सब मेंटेन रखिएगा, आपका अमोनिया मेंटेन रखिएगा, NO2 NO3 मेंटेन रखिएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन मेंटेन रखिएगा, तो फिर आपका कल्चर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोई सैलिनिटी पकड़ के करता है 0.2 to 0.8 PPT to 1 PPT सैलिनिटी आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। और एक और चीज़ आ गई है कि आपका मछली को अगर हम लाएं तो कैसे लाएं, आप ला सकते हैं ऑक्सीजन बॉल में ला सकते हैं, आप उसको ड्रम में हंडी में ला सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ला के मछली को जस्ट पोटेशियम परमैंगनेट से थोड़ा सा आपको शोधन करके हम लोग मछली को छोड़ सकते हैं टैंक में डायरेक्टली, फिर धीरे धीरे करके फीडिंग करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपका इस मछली को अगर हम बोले कि शाकाहारी भोजन करी मछली है कार्ब्स, तो इसको हम क्या खिला सकते हैं, हम लोग खिला सकते हैं डकवीट एजोला, जो हम लोग का जो पॉन्ड सब है उसमें हम लोग को मिल जाएगा बहुत आसानी से, उधर से हम लोग उसको ला के मतलब मुफ्त का खाना बोल सकते हैं आप इसको, तो उसको ला के हम लोग खुद अपना एजोला का बेड बना सकते हैं, डकवीट का बेड बना सकते हैं अच्छा से, उसको बना के हम लोग फिर उसको हम लोग मछली को फीडिंग करा सकते हैं उसको, तो उधर आपको एक्ट्रो कॉस्टिंग रिड्यूस होगा। फिर हम लोग जो आटा होता है, हम लोग का राशन में आटा देते हैं वो सब आटा, फिर आपका जो भुट्टा का जो पाउडर होता है वो, फिर आपका मोलासेस, फिर आपका जो राइस ब्रैन, ये सब को हम लोग अच्छा से कंबाइन करके मेरा स्क्रीन का ऊपर आप देखिएगा कि कितना मात्रा में क्या डाल के हम लोग बाइंड करके होममेड जापानी पोटी का फीड दे सकते हैं, तो वो सब बाइंड करके हम लोग प्रॉपरली मछली को एक ठो जो हम लोग ट्रे बोलते हैं फीडिंग ट्रे करके नीचे दे सकते हैं, मछली अच्छा से खाएगा, जितना खाया उसके बाद हम लोग उठा लेंगे, फिर हम लोग वन टाइम होममेड फीडिंग, वन टाइम डकवीट फीडिंग, वन टाइम आपका जो पैकेट फीड होता है हम लोग वो खिला सकते हैं, तो फिर हम लोग का क्या बैलेंस रहेगा। कारण कुछ कुछ जगह में जापानी पुटी का बहुत ख़राब रेट है, लेकिन कुछ कुछ जगह में थोड़ा बहुत रेट है, मार्केट का ऊपर सब कुछ रहता है तो डिपेंड, तो कुछ कुछ जगह में वो ठीक ठाक भी है। तो ये हो गया। फिर आपका अगर हम बात करें कि इसका टैंक प्रिपरेशन या फिर कैसे हम लोग क्या यूज़ करें क्या ना करें, फीड में तो हम बोलेंगे कि आप लोग एमिनो एसिड थोड़ा विटामिन मिनरल खिलाइएगा अच्छा ब्रांड का, तो आपका मछली का ग्रोथ और मछली का जो इम्यूनिटी होता है हम लोग का एक तो सराउंडिंग, इंसान बचने के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन बहुत टाइप का टैबलेट्स लेते हैं आपका अच्छा से, उन लोग का हैबिटेशन अच्छा रहने के लिए वो लोग बहुत कुछ लेते हैं, तो हम लोग को भी मछली के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। कारण टैंक आपका आर्टिफिशियल पॉन्ड पकड़ सकते हैं, तो हमको उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन पॉन्ड में हम लोग को कुछ कुछ प्रोडक्ट्स अभी नया नया फैंसी प्रोडक्ट्स निकला है वो सब यूज़ करके हम लोग और भी मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन टैंक के लिए हमको प्रॉपरली मॉडिफाई करके हमारा मछली के रहने के लिए हमको तो जगह करके देना पड़ेगा। उसके बाद अगर प्रिपरेशन बोले तो जैसे हम लोग तलापिया के लिए पानी प्रिपरेशन करते हैं उसी तरह हम लोग प्रोबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, जितना प्रोबायोटिक उसका 10 × 10 आपका जो मोलासिस ले सकते हैं, अगर कोई शुगर यूज़ करता है तो 5 शुगर ले सकते हैं, और आपका 10 to 20 ग्राम्स सॉल्ट, ये देखे अच्छा से हम लोग FCO बना के FCO से हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो मेरा जो एक तो प्रोसेस है पॉन्ड का मिट्टी यूज़ करके जो हम पहले का सिंगी मागुर का वीडियो में बोल दिए कैसे यूज़ करना होता है वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, एकदम पानी क्रिस्टल क्लीन रहता है, ये सब कर सकते हैं, उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका फ्लॉक परसेंटेज आप 5 to 10 ml रखिएगा, तो फिर आपका मछली का वो मछली फ्लॉक भी अच्छा खाती है, ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। और इसके साथ अगर कुछ हम लोग अमेरिकन रुई
जो अमेरिकन रूहू हम लोग बोलते हैं वो भी छोड़ सकते हैं। इससे हम लोग का टैंक का जो बॉटम है वो बहुत क्लीन रहता है। सब मछली के लिए अगर हम लोग अमेरिकन रूहू को हम लोग छोड़ सकते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी हम वीडियो को थोड़ा एंड करना चाहेंगे, कारण जापानी पुठी बोलिए, शॉर्ट पुठी बोलिए, ये सब का अगर हम जो भी मछली बोले जितना बात करें उतना कम है, फिर भी हम कोशिश किए कि जितना कर सके उतना करें। और इस वीडियो का एंड तक जो लोग देख रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को फार्मिंग का बहुत चस्का है, आप ज़रूर करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा बात है, आप ज़रूर सक्सेसफुल बनिएगा। उन लोगों की तरह नहीं जो पहले स्किप करके हट गए, लेकिन आप ज़रूर सक्सेसफुल बनिएगा। और हमारा साथ आपके साथ है। अगर कुछ जानकारी के लिए होता है आप कमेंट बॉक्स में जानिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी मार दीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा निवेदन है कि शेयर कीजिए। थैंक यू।